सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कब गेमर। तो गाइस कैसे हो? होपली सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। सो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सोलो रैंक पुश टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स, और उसके साथ में एक एक्स्ट्रा भी बताने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। अगर आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो गाइस एक लाइक तो बनता है, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गाइस जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस जैसा कि आपको पता है कि अभी के टाइम पर बीआर रैंक में यार बुइया लेना कितना हार्ड हो चुका है गाइस, क्योंकि गेम में बहुत बड़े कैंपर आ चुके हैं। गजब बेइज्जती है। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो यार, भीमा शक्ति के टावर पर भी आपको कैंपर दिख जाएंगे, और गाइस उसके अलावा आपको क्लॉक टावर पर भी आपको कैंपर दिख जाएंगे, उसके अलावा जो बचे कुछ कैंपर है गाइस वो आपको फैक्ट्री पर दिख जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, तो गाइस अगर आप उन्हें फॉलो करते तो आप बुइया और ग्रैंड मास्टर इजीली जा सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखो और चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गाइस फर्स्ट नंबर की जो ट्रिक है गाइस वो है बेस्ट करेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन। अगर गाइस आपके पास करेक्टर स्किल अच्छी नहीं होगी तो आप यार रैंक पुश उतनी आसानी से नहीं पुश कर सकते। तो गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको के करेक्टर लेना है, और के करेक्टर लेने के बाद गाइस आपको उसमें कैली की एबिलिटी डालनी है, और कैली की एबिलिटी डालने के बाद दूसरे सेकंड नंबर पर आपको यहाँ पर डाल देनी है आपको डैक्यूटा करेक्टर की एबिलिटी। जी हाँ गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर लैक्यूटा करेक्टर की एबिलिटी डाल देनी है, जिससे जिसका फायदा मैं आपको एंड में बताऊंगा। और तीसरे नंबर पर जो आपको एबिलिटी डालनी है वो है गाइस होने वाले मैगजीन करेक्टर की, जो कि गाइस मेडिकेट बहुत ही फास्ट मारता है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे ट्रिक की तरफ। गाइस दूसरी ट्रिक करने के लिए गाइस आपके पास होना चाहिए एक अच्छा सा पैट। जी हाँ गाइस, आप ऐसा ही पैट उठा लेते तो गाइस आपको पैट में गाइस आपको लेना है मिस्टर बैगर। जी हाँ गाइस, आपको मिस्टर बैगर लेना है, जो कि आज गाइस आपको 100 सेकंड में 100 सेकंड में आपको एक ग्लूवल देता है। तो गाइस आपको मिस्टर बैगर लेना है, ग्लूवल आपका बहुत ज्यादा काम आने वाली है लास्ट में आपको फाइट लेने। गाइस चलिए बढ़ती है तीसरी ट्रिक की तरफ। जो तीसरे नंबर पर ट्रिक आती है गाइस वो आती है यार सेफ लैंडिंग। जी हाँ गाइस, सेफ लैंडिंग। गाइस यार ज्यादातर बंदों की यही गलती होती है कि गाइस आप सेफ लैंडिंग नहीं कर पाते, और जिस वजह से यार आप जल्दी से यार मर जाते हो और आपका रैंक जो है माइनस लग जाता है। तो गाइस आपको करना क्या है, जो आपको मैप में ये एयरलाइन दिख रही है यहाँ से आपको दूर कहीं पर एक टिक लगा लेना है, और आपको वहाँ पर जाना है। देखो आप वहाँ तक अगर नहीं पहुँच सकते तो आपको यहाँ पर लैंडिंग कर लेना, जैसा कि मैंने यहाँ पर लैंडिंग कर ली। ठीक है, अब आपको सीधा आगे चले जाना है, आपको आगे जाते रहना, जहाँ पर आपने वो निशान लगाया आपको वहाँ जाना है, और वहाँ पर आपने लूट करनी है। जी हाँ गाइस, आपको लूट करनी है यहाँ पर। आप अभी देखो यहाँ पर फाइट वगैरह नहीं लेना, जिससे आप मर सकते हैं और आपका रैंक माइनस लग जाता है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं चौथे ट्रिक की तरफ। तो गाइस जो चौथे नंबर पर ट्रिक आती है गाइस वो आती है जोन। जी हाँ गाइस, जोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस देखो सबसे पहले आपने लूट कर लिया, लूट करने के बाद गाइस मैंने थोड़ी सी कैंपिंग वगैरह भी कर ली। ठीक है, अब देखो कैंपिंग वगैरह करने के बाद गाइस देखो मैं आपको जोन इसलिए बोल रहा था क्योंकि गाइस आपको यार रश नहीं कर देना है, आप यार सीधा चले जाते हो सेफ जोन में, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको देखो फर्स्ट जब फर्स्ट जोन आता है तब आपको करना है कि फर्स्ट जोन में रहने देना, क्योंकि यार फर्स्ट जोन आपका जो है उतना ज्यादा यार डैमेज नहीं लेता। आपको फर्स्ट जोन में सर्वाइव कर लेना, क्योंकि गाइस आपका फर्स्ट जोन बिल्कुल भी हेल्थ नहीं खाने वाला है। बट गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना कि गाइस आपको जो सेफ जोन है वो बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। तो गाइस देख सकते हो मेरा जो सेफ जोन है वो बहुत दूर जा चुका है, तो मैंने लूट वगैरह तो कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक जीप लाइन, तो अभी मैं यहाँ पर कैंपिंग कर सकता हूँ, क्योंकि देखो गाइस मैं जीप लाइन से जल्दी जा सकता हूँ। इसलिए गाइस देखो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, फर्स्ट जोन में गाइस आपको आप जोन में रह सकते हैं, क्योंकि यार सर्वाइव करना है आपको, तो अपनी अगर रैंक यार माइनस नहीं लगवाना चाहते तो गाइस। और गाइस आपको सेकंड जोन में आपको गाइस ज़्यादा जोन में नहीं रहना है गाइस, क्योंकि यार सेकंड जोन में आपका हेल्थ भी जाता है, बट सेकंड जोन में ज़्यादा नहीं चलता है, आपको जो थर्ड जोन आता है उसमें आपको बचकर रहना है। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवे ट्रिक की। तो गाइस जो पांचवे नंबर पर ट्रिक आती है गाइस वो आती है पैन। देखो पैन, अगर आपके पास पैन होता है तो गाइस आपको बहुत ही हेल्पफुल करने मतलब हेल्पफुल है आपके लिए। देखो ये आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो गाइस आपको पैन को हाथ में नहीं लेना, आपको पीछे लेना है इसको, आपको हाथ में गन लेने, जिससे यार पीछे से अगर आपको कोई एनिमी मारता तो गाइस उसकी सारी गोली पैन पर लगेगी और आपको डैमेज नहीं पड़ेगा। तो गाइस आपको पैन का ध्यान रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं बोनस यानी कि अंतिम ट्रिक की तरफ। तो गाइस जो अंतिम यानी कि बोनस ट्रिक आती है गाइस वो होती है ग्लू वॉल पर। देखो जैसे ही आप जब को डैमेज पड़ता है तो गाइस आपको जल्दी से एक ग्लू वॉल लगा लेनी है, जिससे यार आपको यार कवर लेने में यार कोई हेल्प मिलती है। तो गाइस आपको ग्लू वॉल का विशेष ध्यान रखना है इसमें। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।